दरअसल खनन निदेशक के तकनीकी सलाहकार दीवान सिंह देवड़ा को 16 और 17 सीसीए की 10 चार्जशीट्स जारी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दबंग अधिकारी पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। खान विभाग में अधीक्षण अभियंता दीवान सिंह देवड़ा वर्तमान में 16 सीसीए की चार्जशीट लंबित होते हुए भी उदयपुर में निदेशक के तकनीकी सलाहकार टीए के पद पर कार्यरत हैं। दो वर्ष पहले सितंबर में तो उन्हें तत्कालीन खान मंत्री राजकुमार रिणवा की मेहरबानी से जालौर में खनिज अभियंता का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। देवड़ा के दबंगई पर आगे बढ़ने से पहले उनको मिली चार्जशीट की एक बानगी देख लेते हैं। देवड़ा को 17 सीसीए की पहली चार्जशीट 2002 में मिली, जबकि 16 सीसीए की कुल चार में से पहली चार्जशीट 2006 में मिली। हालांकि इनमें से कई चार्जशीट निस्तारित हो चुकी है, लेकिन कई अभी तक लंबित है। बावजूद इसके खान विभाग ने कार्मिक विभाग के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए देवड़ा को फील्ड से नहीं हटाया। देवड़ा उदयपुर, सिरोही, जयपुर और जालौर खनिज अभियंता के पदों पर रहे। कुछ समय पहले तक जयपुर में अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता के पद पर भी रहे। इससे पहले बिना तमाम जांच पूरी हुए देवड़ा को अधीक्षण खनिज अभियंता के पद पर पदोन्नत और कर दिया गया था। एक मामले में देवड़ा के खिलाफ जांच लंबित होते हुए पहले तो उसे मकराना में 18 करोड़ के खनन घोटाले की जांच दे दी गई और तुरंत बाद निदेशक का तकनीकी सलाहकार के तौर पर पोस्टिंग दे दी गई थी। वर्ष 2016 में 29 जुलाई को देवड़ा को कार्मिक विभाग ने 16 सीसीए की चार्जशीट के जवाब के लिए नोटिस दिया और इसके तुरंत बाद तत्कालीन खान मंत्री राजकुमार रणवा के कहने पर देवड़ा को जूनियर पद यानी जालौर के खनिज अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। देवड़ा पर कोटपुतली एएमई रहते हुए भी गबन का मामला चला था। तत्कालीन मंत्री की मेहरबानी से देवड़ा को लगातार उपकृत किया गया। इसके बाद मंत्री बदल गए और खान की जिम्मेदारी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को सौंपी गई। लेकिन देवड़ा की दबंगई बरकरार रही। देवड़ा की शिकायतें मंत्री प्रमोद जैन भाया के पास भी पहुंची, लेकिन भाया अभी कार्रवाई के मोड में नजर नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार की आयु ज्यादा नहीं होती। आखिर लंबी जद्दोजहद, रैकी और सूचनाओं के संकलन के बाद एसीबी ने देवड़ा के ठिकानों पर कार्रवाई करना शुरू किया और शाम होते होते देवड़ा को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। देवड़ा के उदयपुर आवास से 70,000 की नकदी और माता पिता, पत्नी और पुत्र के नाम 1,81,00,000 रुपए के विभिन्न बैंकों की 22 पासबुक और 11 चेकबुक भी बरामद की गई है। इसके अलावा 3 बैंक लॉकर की चाबी और कई पार्टनरशिप डीड के दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं 3 कारें, 1 ट्रैक्टर और कई वाहनों के दस्तावेज भी जांच में मिले हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।